नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी तकनीक है जो कि लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। AI आधारित मशीनें कई ऐसे काम कर रही हैं जो पहले सिर्फ मनुष्य ही कर पाते थे। इतना ही नहीं, खेती में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। खास तौर पर फसलों में कीट और बीमारियों का पता लगाने और पोषण प्रबंधन में भी AI की हम महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के एक स्टार्टअप ने एक ऐसी ट्रैक्टर किट तैयार की है जो कि AI आधारित है। इस ट्रैक्टर किट से ट्रैक्टर को ट्रैक करने में मदद मिलती है। तो आज इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देखें कृषि विशेष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिक आविष्कारों में ही एक इजाफा है। आज का युग विज्ञान और मशीनों का युग है और ये मशीनें हर क्षेत्र में हमें मदद कर रही हैं, हमारे जीवन को आसान बना रही हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीनें खेती में भी इस्तेमाल की जा रही हैं। कृषि में आर्टिफिशियल तकनीक यानी AI किसानों के लिए तीन तरह से फायदेमंद है। पहला फायदा, फसल उत्पादन में मदद से जुड़ा है। ये तकनीक बताती है कि मौसम की रिपोर्ट और मिट्टी की सेहत के आधार पर आपको कितने संसाधनों की जरूरत होगी, यानी फसल में कितना पानी देना है और कितने उर्वरक इस्तेमाल करने हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौसम और मिट्टी की रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह देने में सक्षम है। दूसरा योगदान बीमारियों का पता लगाने में है। आपको सिर्फ एक तस्वीर लेनी है और तकनीक उसे पहचान कर बता देगी कि कौन सी बीमारी आपकी फसल को लगी है और इसका बचाव क्या है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल तकनीक बीमारी के खतरे को पहले ही भांप लेती है और आपको बता देती है कि खेत में कौन सी बीमारी लगने वाली है। तीसरा उपयोग पोस्ट प्रोडक्शन यानी कटाई उपरांत क्रियाकलापों को लेकर है। खासकर ये आपको बता देगी कि आपने जो फसल उगाई है उसकी गुणवत्ता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के यूज़ को लेकर के काफ़ी विशेष जोर दिया गया है। खेतीबाड़ी में इस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो हमें प्रोडक्शन असिस्टेंस, जिसका मतलब ये है कि वेदर बेस्ड और सोयल हेल्थ बेस्ड हमें जानकारी मिलती है कि कितना हम पानी दें, कितना हम न्यूट्रिएंट दें, जो कि हमें हमारी एफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, काफ़ी इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारी जो लागत है वो कम होती है। दूसरा इसका विशेष योगदान ये रहता है कि डिज़ीज़ डायग्नोस, कि अगर आप पिक्चर लेकर के उसको दे दें जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उसमें आपको ये सहायता मिलती है कि ये कौन सी डिज़ीज़ है और इसके लिए हमें क्या बचाव और क्या उपचार करना चाहिए, वो भी हमें एक रियल टाइम, मतलब जब आपके खेत में हो रही है या होने की संभावना है, तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और तीसरी जो सबसे और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, जैसे आपकी खेतीबाड़ी की जब उपज आ जाती है तो उसकी आजकल हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट में और ट्रेसेबिलिटी, क्योंकि एक कंज्यूमर को ये ट्रस्ट चाहिए कि कहाँ से आया है, तो ये टेक्नोलॉजी क्वालिटी मैनेजमेंट और ट्रेसेबिलिटी पे भी काफ़ी योगदान देती है। भारत में बहुत सारे स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसानों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाली मशीनें बना रहे हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि देश में छोटे किसान ज्यादा हैं और सबके पास इन मशीनों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खुले हुए हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार इन मशीनों को किराए पे लेकर अपना काम चला सकते हैं। आसपास के लोग आपस में ट्रैक्टर को ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रस्ट का इशू रहता था कि भाई ये मेरे ट्रैक्टर को कह तो गया है एक बीघे के लिए, लेकिन यूज़ करेगा पाँच बीघे के लिए और ये डीजल मेरा चुरा लेगा, या मतलब इस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि ट्रैक्टर के ऊपर लग जाता है और जिससे अगर किसी ने ये लिया तो वो बता सकता है GPS के माध्यम से कि ये चार बीघे में चला, पाँच बीघे में चला, इसकी ट्रैक्टर की हेल्थ कैसी है, इसका डीजल कितना था और कितना खपत हो गया। तो एक जो हमारा ट्रस्ट फैक्टर था, तो वो ट्रस्ट फैक्टर को ये एड्रेस करता है।
दूसरा ये ट्रेसेबिलिटी को एड्रेस करता है, और तीसरा जो ट्रैक्टर ओनर के लिए एक ये इंश्योरेंस है कि कोई उसका ट्रैक्टर लेके नहीं जाएगा। तो ये इस तरीके से छोटी छोटी जो सॉल्यूशन है और टेक्नोलॉजी है वो हमारी खेती में नवाचार को यूज़ करके और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में, उनकी रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में, उनकी यील्ड बढ़ाने में और हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट, ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो ग्लोबल वैश्विक बाज़ार में भी अच्छे दाम पे जा सके और हम उनके मापदंडों को भी पूरा कर सकें। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान काफी ज्यादा रहने वाला है। एआई से जुड़ी तकनीक में डाटा की बहुत भूमिका है। इसी के आधार पर स्टार्टअप्स अपने एल्गोरिदम और मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। स्टार्टअप्स अभी डेटा जुटाने में लगे हैं, यानी वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय किसानों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनमें से कौन कौन सी परेशानियों को एआई के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो एक क्रॉप का, दूसरी क्रॉप का, तीसरी क्रॉप का डाटा कलेक्ट करेंगे, और जैसे कि अभी हमने कारनेट की टेक्नोलॉजी की बात करी, उसमें भी जैसे जैसे वो जितना डाटा कलेक्शन होगा तो उससे उनके जो मॉडल्स हैं वो और ट्रेंड होंगे, इससे उनकी जो एफिशिएंसीज हैं और उनके एरर का चांस जो है वो कम होगा और हम काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और अभी अगर हम स्टार्टअप की फंडिंग की बात करें तो इंडिया में मोस्टली सप्लाई चेन और आउटपुट मार्केट लिंकेजेस के क्षेत्र में हो रही है, बट आने वाले दिनों में ज़्यादातर फंडिंग प्रिसीजन, फिनटेक और फार्म मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में होगी, जो इस बात का इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में हम काफ़ी नए सॉल्यूशन इस क्षेत्र में देखेंगे और वो कृषि को बढ़ावा देने में और उसकी एफिशिएंसी और फार्मर की इनकम डबल करने में अपना योगदान देंगे। स्टार्टअप्स में ज़्यादातर जो फंडिंग है वो कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में है। भारत में ज्यादातर फंडिंग सप्लाई चेन और आउटपुट मार्केट लिंकेज के क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स में हो रही हैं। आने वाले दिनों में ज्यादातर फंडिंग कृषि मशीनीकरण के साथ साथ फिनटेक के क्षेत्र में होगी। ये इस बात का संकेत है कि कृषि क्षेत्र नए समाधानों का गवाह बनेगा, जिससे न सिर्फ भारतीय कृषि बेहतर होगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ सकेगी। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्रैक्टर किट की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि विशेष। HY की तकनीक से युक्त धानों का काम माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानू का काम माइकोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आधुनिक तकनीक और मशीनों ने भारतीय खेती को नए आयाम तक पहुंचाया है। रोटावेटर, ट्रैक्टर और यहां तक कि थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल कर हमारे किसान न सिर्फ श्रम में कमी कर पा रहे हैं बल्कि साथ ही साथ उत्पादन और उत्पादकता को भी बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं और इससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। इसी में एक नई कड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। जब हम एआई की बात करते हैं तो इसका मतलब ऐसी तकनीक है जो ऐसे काम करे जिन्हें इंसान करता है। इसे संभव बनाने के लिए कंप्यूटर को इंसानों जैसे काम करने वाली चीजें सिखाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई खेत जोतते हैं और हमें ये पता करना है कि हमारे ट्रैक्टर ने कितना खेत जोता है, तो हमें उस खेत को नापना होगा। एआई ने ऐसी किट विकसित कर दी है जो खेत को खुद ब खुद नाप कर बता देती है, वो भी बिना फीते के। बस आपको उसे अपने ट्रैक्टर पर फिट कराना होगा। इनका नाम पुष्कर है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके स्टार्टअप ने ट्रैक्टर के लिए ऐसी किट बनाई है जो उसके चालन का पूरा लेखा जोखा रखती है। ये डिवाइस उन किसानों के लिए खासी उपयोगी है जो अपने ट्रैक्टर दूसरों को किराए पर चलाने के लिए देते हैं। तो आपने अगर आज के दिन में देखा होगा, ऑनलाइन कैब है या टैक्सी है, तो मीटर के बिना टैक्सी हम सोच नहीं पाते। तो बट मैंने देखा कि यहाँ पे
देश के 90% से ज़्यादा खेत रेंट पे भाड़े पे ही जुताई होती है, बट वहाँ पे भाड़ा सब हिसाब किताब बहुत एआई से नहीं होता, अभी मानने पे होता है 2 एकड़ खेत है, 2.5 एकड़ खेत है। तो हमें वहाँ पे लगा था कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, जैसे मीटर होता है टैक्सी में, वैसे ट्रैक्टर के लिए भी नापने का आसान तरीका होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके हम एक्चुअली सारी टीम हमारी उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हुई थी, 6 महीना हम लखनऊ में रहे थे, सारे गांव में जाके हमने इवेंट अटेंड किए, तब पता चला कि हमें एक एआई तो बनाना है, बट क्या बनाना है कि ऐसी चीज़ बनानी है जिससे ट्रैक्टर के मालिक को ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा मुनाफा हो, उसके भाड़ा ज़्यादा मिले, उसके डीजल की चोरी ना हो, उसका दिन भर का 6 महीने का हिसाब किताब वो रख पाए। तो हमने इस तरीके से थोड़ा सा हमारे जो टेक्नोलॉजी थी जीपीएस वाली, उसको हमने एआई की तरफ मोड़ दिया जिससे एग्रीकल्चर में फ़ायदा हो। तो अभी तो हमने शुरुआत ट्रैक्टर से की है, खेत नाप के एंड खेत का अपने आप जो नाप आ जाता है ऐप में इस तरीके से, और आगे चल के हम ऐसी चीज़ें बनाते रहेंगे जिससे ट्रैक्टर के मालिक को फ़ायदा हो इस किट से। पुष्कर का मानना है कि दूसरे देशों में खेती करने का तरीका अलग है और हमारे देश में अलग, इसलिए भारतीय कंपनियों को पश्चिमी देशों की हूबहू नकल करने के बजाय यहाँ के किसानों की जरूरत के हिसाब से एआई डिवाइस तैयार करनी होंगी। दूसरी ओर जब भी कोई नई तकनीक आती है तो अक्सर यही कहा जाता है कि इससे मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। एआई के बारे में भी कुछ लोगों का यही ख्याल है। पुष्कर उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि नई तकनीक हमेशा रोजगार के नए अवसर लेकर आती है। पुष्कर यही नहीं रुकते, भविष्य के लिए उन्होंने और भी बड़े ख्वाब देखे हैं। इसी किट में वो कई और चीजें जोड़ने वाले हैं। तो हम जब एआई के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि एआई आ गया, रोबोट आ गया तो हमारे जॉब चले जाएंगे, तो यू नो हमारे देश में तो इतने मजदूर है तो एआई का क्या फायदा। बट मुझे लगता है कि वो चीज़ सोचना सही नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एआई से जॉब चले जाएंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि एआई से जॉब बढ़िया हो जाएंगे। जो अभी हम लोग लेबर का काम कर रहे हैं, मतलब जो हम एकदम ही ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं, उसके बदले हो सकता है कि हमें बहुत सारे ट्रैक्टर मैनेज करने का काम मिल जाए किसी ऑपरेटर को, हमें उसके लिए लोग रखने पड़े। तो ट्रैक्टर ड्राइवर की भी तरक्की होती रहती है, और अगर आप इंडिया में बाकी भी खेती में देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन है जहाँ पे हम एआई लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तो एआई शुरू ही हुआ है इंडिया में, बट यहाँ से बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। जैसे एक पत्ते का फोटो लेके हमें पता चल सकता है कि कौन सी दवाई कब मारनी चाहिए, या हम वेदर को देख के ये पता कर सकते हैं कि अगले 15 दिन में कौन सा डिजीज़ होने वाला है, या फिर हम गन्ने का सैटेलाइट पिक्चर लेके ये बता सके कि गन्ने का काटने का समय सही कब है। ऐसी सारी चीज़ें अलग अलग इंडिया में आ रही है, और मुझे लग रहा है कि वो एआई इंडिया में आने वाला है एंड काफ़ी समय तक रहने वाला है। इनफैक्ट यही हमारा फ्यूचर है। हम खेती जिस तरीके से कर रहे हैं उसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जोड़ दें तो मुझे लगता है कि हमारा देश काफ़ी आगे चला जाएगा। और अगर आप हमें हमारे किट के बारे में कहिए तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम इस एआई को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ तो है, हम डीजल के अराउंड 1-2 फीचर बनाने की सोच रहे हैं जिससे डीजल की चोरी हो या डीजल की खपत अगर कम ज़्यादा हो तो हम ये वॉर्न कर सके हमारे कस्टमर को कि ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ हम सोच रहे हैं कि एआई से जैसे किसान को भी फ़ायदा हो, जैसे आपने अगर जुताई की तो वही जुताई किया हुआ खेत हम अगर सैटेलाइट से देखें और किसान को हर हफ्ते एक रिपोर्ट भेजे कि आपकी खेत की हेल्थ कैसी है, लाल कहाँ है, पीला कहाँ है, हरा कहाँ है, तो आप एटलीस्ट लाल वाले जगह जाके देख सको कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप कहोगे कि अगर आप एआई वाले ट्रैक्टर से काम कराते हो तो आपको पूरे सीज़न फ़ायदा होता है और पता चलता है कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, वो एक चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ कि हम आगे ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी किसान को अगर ऑर्डर करना है ट्रैक्टर, आपके गांव में अगर ट्रैक्टर भाड़े पे नहीं मिल रहा बट आपके बगल में किट वाले किसी ट्रैक्टर के पास भाड़े पे किट मिलता है तो वो ज़रूर कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी हम लोग पूरा ले आएंगे ताकि किसी भी किसान के लिए मेकेनाइजेशन बहुत आसान हो जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हमारा एक इनिशिएटिव है जिसको SMM कहते हैं कि मेकेनाइजेशन बढ़ना चाहिए इंडिया में। हम गाय बैल जो बैल से जोतते हैं या एनिमल से जोतते हैं ज़मीन, उसके बदले ट्रैक्टर से मशीन से होना चाहिए। तो हम हमारे पूरे किट के तंत्रज्ञान को लेके या किट के टेक्नोलॉजी को लेके ये चीज़ बढ़िया करना चाहते हैं। पुष्कर ने पहले GPS तकनीक वाली किट बाइक और कारों के लिए बनाई थी। ये काम उन्होंने शौकिया तौर पर किया और इससे किसी का कोई फायदा नहीं था। यही वजह है इन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह की किट ट्रैक्टर के लिए बनाने का फैसला किया। तो हम जब ये कार का टेक्नोलॉजी हम हमारा बना रहे थे जिससे कार ट्रैक होती है GPS से,
तो हमें ऐसे एक पॉइंट के बाद लगा कि ये थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, माने कि इसका फ़ायदा है बट इससे किसी का पैसा नहीं बच रहा, बस मन की शांति के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि जब हमने इंडिया में एजुकेशन लिया है या फिर हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ के लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करनी चाहिए जिससे किसी की तरक्की हो, किसी यूज़र की तरक्की हो या किसी ग्रुप की तरक्की हो। और तभी उस टाइम पे हमने जब गांव में टाइम स्पेंड किया या हम गांव-गांव जाके डेमोन्स्ट्रेशन देखते थे हमारे किट के, तो पता चला कि लगभग 40 से 50 लाख ऐसे ट्रैक्टर ओनर हैं जो रोज़ भाड़े पे ट्रैक्टर देते हैं, उनकी गुजारिश काफ़ी सारी उनकी आय डिपेंड करती है ट्रैक्टर पे। तो क्यों ना हम जस्ट GPS किट कार को देने के बदले ट्रैक्टर के लिए करके उसमें AI जोड़ दें ताकि उनका इनकम बढ़ जाए। तो ये थोड़ा सा दोनों फीलिंग था कि ए, हमें लगा कि हाँ इससे बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और बी, हमें लगा कि ये थोड़ा सा देश को यू नो वी हैव टू गिव बैक, जिसे कहते हैं कि हमें भी देश के लिए कुछ रिटर्न में देना चाहिए। इस जज्बे में हमने दोस्तों ने मिलकर ये शुरू किया। पुष्कर 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर मालिकों के साथ जुड़े हैं और वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे किसानों से जिन्होंने इस ट्रैक्टर किट को इस्तेमाल किया है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें कृषि विशेष। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करो। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीनों के बारे में, और उन्हीं में से एक है ट्रैक्टर किट। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे किसानों से जिन्होंने पुष्कर की इस AI आधारित ट्रैक्टर किट को इस्तेमाल किया है। सभी किसान ट्रैक्टर नहीं ले सकते हैं। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो दूसरे किसानों से किराए पर ट्रैक्टर लेते हैं, अपने खेतों की जुताई करवाते हैं या फिर फसल बुवाते हैं। कुछ ट्रैक्टर मालिक खुद ही दूसरे के खेत जोतकर पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ किसान इस काम के लिए ड्राइवर रखते हैं। समस्या ये है कि किराए पर ट्रैक्टर लेने वाले किसान पैसा बचाने के लिए अक्सर अपने खेत को छोटा बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5 बीघे का खेत है तो 4 बीघे बताने की कोशिश करेंगे, इससे उन्हें 1 बीघे का किराया बच जाता है। इसी वजह से बहुत से किसान अपना ट्रैक्टर किसी को किराए पर चलाने से कतराते हैं। पुष्कर की ये डिवाइस किसानों की इसी समस्या का समाधान है। राहुल कुमार मेरठ जिले के गांव समसपुर के रहने वाले हैं। ये भी अपना ट्रैक्टर किराए पर देते हैं। इन्होंने पुष्कर की किट लगवाई है। पुष्कर खुद अपनी टीम के साथ राहुल के खेत पर पहुँचे और डिवाइस को फिट किया। मेरा नाम राहुल कुमार, जो समसपुर गांव है हमारा मेरठ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश से। सर इसमें ऐसा क्या नाम है, जो हमारा खेती से जुड़ा काम है, तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर की कमी होने के कारण हम ट्रैक्टर अपना किराए के यूज़ में कर लेते हैं। उससे हमारी थोड़ी इनकम भी हो जाती है और अपना काम भी साथ में चलता रहता है। तो इससे जुड़ा हुआ काम है खेती से, और कोई दिक्कत भी नहीं आती हमें, और हमारी इनकम भी हो जाती है। एक बंदा है जिन्हें मैं जानता था फील्ड में, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि एक इंटरनेट के माध्यम से जो आपके ट्रैक्टर से को आपको फ़ायदा करा सकती है, ऐसी एक डिवाइस है जो आप अपने ट्रैक्टर में लगा सकते हो और उससे फ़ायदा उठा सकते हो। मैंने उसकी बात पे गौर दिया और उनको कॉल करके यहाँ बुलवाया, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही अपना ट्रैक्टर में लगवाया और उसके साथ में काम करके देखा। मुझे वास्तव में ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो फील्ड को
माप रहा था अपने आप ही इंटरनेट के माध्यम से, और मापने के साथ साथ में हमारे जो उसमें फ्यूल वगैरह हैं और उसकी भी जानकारी हमें देता है, मैसेज आ जाता है। एक उसमें खाता बुक जो अलग से ऐप है वो नहीं डाउनलोड करना पड़ता, उसी में ही है खाता बुक भी। इनका नाम भी इत्तेफाक से राहुल ही है, मेरठ के लावड़ कस्बे में रहते हैं। इस डिवाइस के बारे में इन्हें अपने दोस्त से पता चला, इन्हें मशीन में दम लगा तो अपने ट्रैक्टर में लगवा लिया। डिवाइस लगवाने के बाद ये भी काफी संतुष्ट हैं। अब इन्हें किराए पर ट्रैक्टर चलाने में कोई संकोच नहीं है और बेईमानी का खतरा भी नहीं रहा। मेरा नाम राहुल है और मैं मेरठ जिले से लावड़ से कस्बा लावड़ से बिलोंग करता हूँ, और मुझे सीमा किट के बारे में मेरे फ्रेंड अनस से पता चला था। उसके बाद मैंने सुमित जी से सीमा किट लगवाया, उससे बहुत ही मुझे फ़ायदा मिला। एक तो सीमा किट से जो अपना काम वर्क कर रहे हैं उसके बारे में कितना हमने वर्क करा है पता चल जाता था, कितनी हम लोकेशन पता चल जाती है इससे, और इसमें जो हम अर्निंग करते हैं उसके बारे में अपना कितनी हमने अर्निंग करी है ये भी हम इसमें पता चल जाता है। हाँ, इसमें मुनाफा हुआ है। पहले तो हमें ये नहीं पता था कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, और अब जो है एक तो कोई हम फील्ड में जा रहे हैं जुताई कर रहे हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना हमने फील्ड जुताई करी है। पहले झूठ बोल देता था किसान कि हम ये 5 बीघा खेत है तो 4 बीघे बता देता था, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला था। ये डिवाइस ट्रैक्टर में फिट कर दी जाती है और इसका कनेक्शन मोबाइल से होता है। मोबाइल में इस किट का ऐप लगा होता है जिसमें ट्रैक्टर मालिक की प्रोफाइल बनाई जाती है। प्रोफाइल में मालिक का नाम और पता वगैरह दर्ज होता है। इसके बाद ट्रैक्टर खेत में काम करता रहता है और उसका मालिक घर बैठे आराम से उस पर नजर रख सकता है। आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे खेती में भी AI का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे नए आयाम सामने आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishiwishesh@gmail.com। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। ने किया कमाल, टेम्परा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, कांटों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। कृषि विशेष के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात
प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। बॉडी फैट को मापने के लिए क्या BMI से बेहतर है कोई तरीका? अगर आप भी BMI पर नजर रखते हैं तो जरूर देखिए कि इसमें क्या कमी है। मंथन में शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना, जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं, जो गरीब के स्कूल में गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च करना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए ना फेक न्यूज ना झूठ, हमेशा सच के साथ दो टू। देखिए मेरे साथ दो टू सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ DD न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम DD न्यूज का प्राइम टाइम शो। सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी। नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।